राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 तारीख को राजगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। सारंगपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। जीतू पटवारी ने सबके साथ बैठक कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के ऐतिहासिक स्वागत न्याय यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। राहुल जी की यात्रा जिस तरीके से जारी है, मैं समझता हूँ उत्साह और अद्भुत उत्साह है और अकल्पनीय लोगों की भावना है। जो 5 न्याय की बात राहुल जी कर रहे हैं, जो किसानों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बातें कर रहे हैं, जो मोदी जी ने गारंटियाँ दी पूर्ण हुई देश के सामने, उनकी मांग कर रहे हैं, तो ये दायित्व है विपक्ष का। एक ऐसा नेता जिन्होंने पद पद चल के पूरे देश को नाप दिया और प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें की, मैं मानता हूँ हमारे लिए एक ऐसा अवसर जो हमारा नेता राहुल जी विपक्ष की आवाज़ बन के जब आ रहे हैं, तो हम सब उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर राजगढ़ में, सारंगपुर में हमारे सभी परिवार के लोग पूरी ताकत से करेंगे। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से कहा, जनता के बीच पहुंचकर हमें भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को बताना पड़ेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। सारंगपुर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।